हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बख्शी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रखे होंगे। तो फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए और नई वीडियो। सारी शॉपिंग जितनी भी लेकर आई हूँ अमेजोन से लेकर आई हूँ, लेकिन ये सारी वही शॉपिंग है जो मैं पहले आपको हॉल वीडियो में दिखा चुकी हूँ। लेकिन मैं आपको इनके रिव्यूज दूंगी कि ये कुर्ती और कुर्ती प्लाजो सेट कैसे निकले हैं आफ्टर वॉश, उसका रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। तो इसमें से जितने भी लेकर आई हूँ, इनमें से अगर आपको किसी के रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो उन सबके लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अमेजोन पे इस समय चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो 1 जून से 6 जून तक रहेगी। फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी जितनी सेल लगी है ब्यूटी और फैशन ब्रांड्स पे लगी है। तो हम लेडीज का तो हक बनता है इन चीजों का फायदा उठा लेना। जो चीजें आप सोच रहे थे डिस्काउंट में नहीं आ रही थी, इस समय आपको डिस्काउंट पे मिल सकती है। 50-80% तक का डिस्काउंट आपको बड़े बड़े ब्रांड्स पे मिल सकता है। एक्सचेंज पॉलिसी भी 30 डेज की है और रिटर्न पॉलिसी भी। और अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो जल्दी से प्राइम मेंबर बन जाइए, क्योंकि प्राइम मेंबर्स की जितनी भी फैसिलिटीज मिलती है ना, वो जो अमेजोन के जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप नहीं ले रखी होती है उससे बढ़कर मिलती है। जैसे कि आज आपने अगर अपनी कंप्लेंट डाली है एक्सचेंज की या रिटर्न की, तो अगले दिन ही वो जो अमेजोन की तरफ से भैया आएंगे और चीज लेके चले जाएंगे, और थोड़ी देर में ही आपके पैसे अगर आपने रिटर्न करवाया है तो आपके अकाउंट में या पे बैलेंस में आ जाएंगे, और एक्सचेंज करवाई है तो वो चीज भी हो जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ आपको आज का प्यारा प्यारा कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कुर्ता प्लाजो सेट, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ और इसका रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। ये जो है मेरा सबसे फेवरेट है, मैं आपको बताऊं। कलर तो मुझको बहुत अच्छा लगता है, पर्पल कलर, और प्रिंट भी अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। कम से कम इसको मैंने 5-6 बार धो लिया है, और धोकर भी बिल्कुल इसके कलर इसी तरह से बने हुए हैं। तो ये जो था ये इसका प्लाजो था, इस तरह से था और अच्छा खासा था। मतलब मुझे तो प्लाजो थोड़ा सा एंकल लेंथ तक आता है, मैं ऊपर तक करती हूँ, हाइट के अकॉर्डिंग भी है और कईयों को बिल्कुल ठीक आता है, हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। मेरी 5.6 हाइट है, अगर आप में से भी कोई 5.6 है या इससे लंबा है तो भी आपको जितनी हाइट है एंकल तक आएगी, तो एंकल भी अच्छे लगते हैं। मुझे इसकी लेंथ एंकल तक आती है, उठने बैठने में, चौकड़ी मार के बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती है। काफी अच्छे साइज में अवेलेबल था, जो भी आप साइज मंगाएंगे वो आपको परफेक्ट आएगा। डबल एक्सल मैंने इसके अंदर साइज मंगवाया था। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाना चाहूंगी, तो शर्ट इसकी इस तरह से रहेगी। आगे जो थे इसके बटन लगे हुए हैं, जो अभी तक बिल्कुल इसी तरह से लगे हुए हैं। प्रिंटेड ये कुर्ती 3/4 है, कलर आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मुझे रिसीव हुई थी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल से इसको ले सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में है ये। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैंने ये अभी रिसेंटली मंगवाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये जो रहने वाला है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और कलर इसका वैसे ही बरकरार है, लेकिन दुपट्टे ने जो है कलर छोड़ा है। तो दुपट्टा आप इसको और कपड़ों से सेपरेट करके और अपने हाथ से ही धोइएगा, मशीन में चलाएंगे तो सारे के सारे कपड़ों के साथ इसका रंग लग जाएगा और ये कलर, ये दुपट्टा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है सूट से पहले दुपट्टा ही खराब होने वाला है। तो ये जो रहेगी इसकी शर्ट रहेगी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगता है ये सूट पहना हुआ। और इस तरह से आगे सीक्वेंस का वर्क है, और ये इसकी स्लीव्स थी जो इसी तरह से बरकरार है, नेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि सारे सूट मैं अपने हाथ से धोती हूँ, मशीन में मैं ये कपड़े नहीं धोती हूँ। कपड़ा बिल्कुल वैसे के वैसे ही बना हुआ है, ये जो है कॉटन नहीं है, मिक्स कपड़ा है, लेकिन हल्का फुल्का है, आराम से गर्मियों में पहना जा सकता है। अब मैं आपको इसका पैंट स्टाइल जो है इसका, ये प्लाजो रहने वाला है, आगे बेल्ट और पीछे जो था इलास्टिक था। पॉकेट भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, हालांकि पॉकेट का कोई ज्यादा यूज होता नहीं है, ना आप फोन रख सकते हो, बस थोड़ी बहुत चेंज रखनी हो या फिर नोट रखनी हो, खुले पैसे उसके लिए तो ये ठीक है, बाकी फोन वो नहीं रख सकते आप। ये देखिए इस तरह से नेट इसके नीचे भी बरकरार है, इस तरह से ये था। और लेना चाहते हैं तो आप इसको पक्का ले सकते हैं, ये भी अच्छा सूट है, पर दुपट्टे का ध्यान रखिएगा, दुपट्टे में रंग छोड़ा है। अब मैं आपको नेक्स्ट सूट दिखा रही हूँ। नेक्स्ट सूट जो है बहुत ही बढ़िया है, इसको तो आप जैसे कि ऑफिस जाते हैं तो भी पहन सकते हैं आराम से। अब तक जितने भी सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑफिस जाइए या फिर आप घर में भी हैं तो भी पहन सकते हैं, या फिर आपको आसपास मार्केट जाना है तो भी पहन सकते हैं। तो ये सूट भी बहुत ही बढ़िया निकला है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। तो ये इस तरह से था, 3-पीस, मतलब इसके साथ दुपट्टा भी है। तो शर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जो शर्ट थी इसकी इस तरह से थी, ये भी मिक्स कपड़ा है लेकिन ये भी आराम से पहना जाएगा। लिंक सबके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह से ये रहने वाला है, हल्का फुल्का है, गर्मियों के हिसाब से बहुत ही सही है। अच्छी तरह से इसकी लेंथ है इस कुर्ती की, नीचे बॉर्डर लगा है, और इसके साथ जो मिल जाएगा ये वाला, ये प्लाजो मिल जाएगा। तो इसके भी आगे बेल्ट है और पीछे जो है वो इलास्टिक है, यहाँ पर इसमें हाँ पॉकेट है इसके अंदर,
इसके अंदर भी एक पॉकेट दी गई है। प्लाजो वही है कि हाइट के अकॉर्डिंग है, मुझे ये भी प्लाजो है थोड़ा ऊंचा करके आता है। दुपट्टा ये इसके कॉम्बिनेशन का दिया गया है, कलर इस सूट ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, हालांकि दुपट्टे ने भी नहीं छोड़ा था। जॉर्जेट का ये दुपट्टा है, इस तरह से प्लेन दुपट्टा मिलेगा। दुपट्टा आप किसी और के साथ भी यूज कर सकते हो, मैं अभी आपको कुर्ती दिखाऊंगी, मैं उसके साथ भी ये दुपट्टा यूज करती हूँ। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिंक कलर का सूट, और ये सूट मैंने आपको पहले भी दिखाया है, इसको भी मैंने काफी बार पहना है सूट को। ये सूट पहले जो था मुझे थोड़ा बाजू से टाइट आता था, आजकल धीरे धीरे मुझे वो कपड़े भी आने लग गए हैं जो मुझे आ नहीं रहे थे। आज का सूट जो ये मेरा है, ये अमेजोन का नहीं है, ये मैंने अलग से बाहर से लिया था, लेकिन ये मुझको आता नहीं था, बहुत टाइट होके यहाँ से आता था, अभी खुला होने लगा है। ये तो बढ़ता रहता है, कभी मोटे हो जाते हैं कभी पतले हो जाते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको दिखाती हूँ, बात करती हूँ इसकी शर्ट की। तो शर्ट जो रहने वाली है इस तरह से आगे डिजाइन रहने वाला है इसका, और शर्ट में कपड़े में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, लेकिन जो इसका प्रिंट आप देख रहे हो ना, ये जो है मुझे लगता है कि धोते धोते हल्का हो सकता है, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, 4-5 की वॉश कर चुकी हूँ। और जो ये वाला जो कपड़ा है, ये भी मैं हाथ से धोती हूँ तभी इनके कलर बने रहते हैं मुझे लगता है, नहीं तो ये तो आराम से सारा निकल जाएगा मशीन में। अच्छा खासा घेर वाला, मतलब कि अच्छा खासा घेर, ऐसा फ्रॉक वाला है, देखिए पूरा वीडियो में भी नहीं कवर होगा, मैं ऐसे करूंगी। घेर वाली ये जो रहने वाली है कुर्ती रहने वाली है। आगे इसका जो डिजाइन दिया गया है चोली पर, इस तरह से बनाया गया है, मुझको ये अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। पिंक कलर का सूट है, उसके ऊपर इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। और ये रहने वाला है इसका लाइनो वाला जो है प्लाजो रहने वाला है, जैसा कि इसकी बाजू से मिक्स मैच किया गया, ये इस तरह से है, ये वही पैंट स्टाइल है। ये भी मुझे थोड़ा सा ऊंचा एंकल लेंथ तक आता है, और डबल एक्सल साइज है इन सबके, ना साइज भी बता दूं मैं आपको, तो सबके डबल एक्सल साइज है। दुपट्टा दिखाती हूँ मैं, तो दुपट्टा जो है वो आप किसी और सूट के साथ भी इसको भी यूज कर सकते हैं। जॉर्जेट का दुपट्टा है, आसपास कॉटन की लेस लगी है ये सारी, तो ये दुपट्टा और ये, तो ये सूट भी मुझे अच्छा लगा है, हालांकि धोने पर ये पक्का जो जितने भी इसके पोलका डॉट्स है और लाइनें इस पे है ना, ये प्रिंट ही उतर जाने वाला है, मतलब धोते धोते वॉश करते करते। अभी तक तो 4-5 वॉश में भी हल्का होने लगा है ये, वही मैं बोल रही हूँ आपको कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ठीक है, अच्छा खासा हैवी मटेरियल है इसका, लेकिन जो इसके डॉट्स है ना वो हल्के पड़ जाएंगे बस। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रिंटेड सूट, और ये जो सूट है ये अच्छा सूट है, लेकिन ये कॉटन मिक्स कपड़ा है, पॉलिएस्टर है, ये भी डार्क प्रिंट पसंद करते हैं और डेली वेयर का सूट है, ऑफिस में भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि जो कॉटन के सूट होते हैं ना इस तरह से हल्के फुल्के वाले मिक्स वाले भी, तो वो पहने जाते हैं, आप पहन सकते हैं इनको। ये देखिए आसपास यहाँ पर जो आपको साइड में मिल जाएगा चाक में देगी, यहाँ पर ये तिकोनी लेस मिल जाएगी। कपड़ा मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, ये जो है ये इसका कपड़ा रहने वाला है, इस तरह से डबल एक्सएल इसका साइज है, आगे भी जो है आपको इस तरह से मिलेगी, इस पे लेस लगी हुई प्रिंटेड। ये जो है ये इसका प्लाजो रहने वाला है, इस तरह से आगे बेल्ट, और ये खुला डुला है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो आप अपना साइज मंगवाएंगे वो साइज आपको परफेक्ट आने वाला है, साइज में कोई भी दिक्कत नहीं है। और दुपट्टा जो है इसका, दुपट्टा ये वाला है, दुपट्टा इसका कॉटन का दुपट्टा है, और इस तरह से प्लाजो से मैच किया गया है, अच्छा प्रिंटेड डार्क कलर का ये सूट है, डेली वेयर सूट है ये, आप इसको घर में पहन के रखिए, या फिर आसपास मार्केट जा रहे हैं तो भी आप पहन सकते हैं, कोई पार्टी वेयर सूट नहीं है ये। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये चिकनकारी की कुर्ती है और रेयॉन कॉटन पर है, पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, ये शायद मैं आपको तीसरी बार दिखा रही हूँ। अब मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, पहले मैंने आपको दिखाई थी क्योंकि ये मुझे आती ही नहीं थी, अभी मुझे आने लगी है जब मैंने इसको मंगवाया, जबकि ये डबल एक्सएल साइज था, पर ना मुझको यहाँ से बहुत टाइट आती थी, लेकिन अब ये ठीक हो गई है, अभी भी जो है पहनने लायक ठीक हो गई है, अभी मैं थोड़ा सा अगर और मेरा थोड़ा वेट इधर उधर हुआ तो ये ठीक तरह आ जाएगी। ये देख सकते हैं इसकी 3/4 स्लीव्स है, और ये थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि इन्होंने बाजू में कटाई कम दी है अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब कि जिनका डबल एक्सएल साइज है उनकी बाजू के अकॉर्डिंग जो है इसकी जो है यहाँ से कटाई कम है। हाँ अगर आपकी बाजू पतली है, मेरी तो नहीं है, देखो मेरी तो है नहीं है पतली बाजू, तो जिनकी आर्म्स पतली हैं उनको ये आराम से आ जाएगा। ये देख सकते हैं आगे पूरा जो है इसका ये चिकनकारी का वर्क है, और ये फ्रॉक स्टाइल में रहने वाला है, ऊपर ये चोली पर पूरा का पूरा चिकनकारी का वर्क, आगे बटन मिल जाएंगे और नीचे भी जो आपको ये बूटियां मिल जाएंगी। अच्छा है, बहुत ही सुंदर लगेगा व्हाइट के साथ पहना हुआ, और व्हाइट के साथ आप लेगिंग्स लेना तो एंकल लेंथ तक की लीजिएगा, बहुत ही प्यारी ये लगने वाली कुर्ती है। और प्लाजो लेना चाहते हैं तो फिर भी व्हाइट चलेगा, और व्हाइट में भी चिकनकारी के प्लाजो आते हैं मार्केट में, तो आप वो ले सकते हैं, या फिर अमेजोन पे सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे।
इसके अंदर सारे आपको डार्क प्रिंट ही मिलेंगे। कुर्ती बहुत बढ़िया है धोने पर, इसमें अब जो मैं इसका धोने की बात करूं तो इसमें धोने पर कलर छोड़ा है, पर देखिए इसका वाइट जो है अभी तक बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है। मुझको ये कुर्ती काफी पसंद है क्योंकि मुझको अभी आने लगी है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैंने ये जो विंटर्स में आपसे एक हॉल वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने ये सूट मंगवाया था, तो ये जो है इसका दुपट्टा है। हालांकि विंटर्स की बात है तो ये वाला दुपट्टा मैं कम ही लेती हूँ, ये वाला दुपट्टा मैं लेती नहीं हूँ ज्यादातर, बस मैंने एक दो बार ही लिया, इसलिए बिल्कुल इस तरह से नया नया ही है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा। और क्योंकि इसके साथ ना मैं शॉल लेती थी, वो भी ऑफ व्हाइट कलर की मेरे पास है, तो उसके साथ ये ज्यादा अच्छी लगती थी। अच्छा, अब ये जो है पहले दुपट्टा दिखाया तो मैं आपको दुपट्टा दिखा दूं, ये इसके साथ मिक्स मैच किया गया है और हल्का हल्का जो है इसके ऊपर प्रिंट है, पोलका डॉट्स बने हुए हैं और बेस भी इसका जो है व्हाइट प्रिंटेड है, इस तरह से है ये। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखा देती हूँ। अब शर्ट का कपड़ा जो है अच्छा है, मिक्स कॉटन है ये भी, लेकिन और उसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है सूट की ना, आप जो भी साइज मंगवाएंगे ना अपने में तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आपको। इस तरह से इसकी स्लीव्स है जो यहाँ एल्बो तक से थोड़ी सी ऊपर आके रुक जाती है, ठीक है। और इस तरह से बहुत ज्यादा घेर वाली कुर्ती नहीं है, फ्रॉक जैसी होती है ना उस तरह से है, और ये लॉन्ग भी नहीं है। जो मेरी अगर मेरे जितनी आपकी हाइट है तो आपके नी लेंथ तक आएगी या उससे थोड़ा सा नीचे आएगी, इस तरह से ये रहेगी। अब क्या है कि इसके प्रिंट्स तो बिल्कुल वैसे बने हुए हैं, लेकिन लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो आर्मपिट्स होती है ना इधर से, यहाँ से जो है इसके प्रिंट हट गए हैं, जैसे कि स्वेटिंग से हो गया है या फिर ऐसे लगते लगते हो गया है, तो इस तरह से यहाँ से ये प्रिंट हट गया है। बाकी ये प्रिंटेड कुर्ती ठीक है, बढ़िया है और वो नीचे तक भी प्रिंट बने हुए हैं, लेकिन इस साइड से इसके प्रिंट्स हट गए हैं, तो मतलब कि ये धोते धोते ये सारे प्रिंट्स भी हट जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ये प्रिंटेड हट जाएगी। अच्छा, प्लाजो पे जो अगर बात करूं तो प्लाजो के प्रिंट बिल्कुल इस तरह से ही बने हुए हैं, आप लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं, लेकिन जो इसके प्रिंट्स देख लीजिएगा, हाथ से ही आपको इसको धोना है, बाकी आगे भविष्य में इसके सूट के का जो है वो प्रिंट निकल जाएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं मेरे पास सारे ब्लू ब्लू वाला हो गया, आज ब्लू ब्लू कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। मैं खुद भी अपने वार्डरोब में देख रही थी कि ना मेरे पास ब्लू में कपड़े ज्यादा हुए हैं। ये वाला सूट दिखा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी वाला दिखाया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, कहीं मैं दोबारा तो नहीं दिखा रही हूँ, मुझको ये भी है क्योंकि दोनों सेम सेम है, बस एम्ब्रॉयडरी का फर्क है, वो उस पर सिल्वर से की गई है और दुपट्टा भी अलग अलग है, उसका अलग है दुपट्टा, इसका अलग है, इस पर गोल्डन से की गई है एम्ब्रॉयडरी। तो जो ये कपड़ा है ये भी कॉटन मिक्स है और अच्छा है ये सूट भी, ये देखिए कलर इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था और इस तरह से 3/4 इसकी स्लीव्स रहने वाली हैं। अच्छा सूट है ये भी और ऑफिस वेयर है, आप इसको डेली वेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब हल्के फुल्के सूट हैं, धोइए और पहने, इस तरह से ये सूट रहने वाला है। शर्ट इसकी अच्छी खासी लंबी है, इसका जो प्लाजो है वो भी उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, जैसे कि स्कूटी चलानी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक मिल जाएगा, एक साइड पॉकेट मिल जाएगी और इतनी इसकी लेंथ रहेगी, लेंथ जो है इसके ठीक है, एंकल से थोड़ी नीचे ही आती है मुझे। दुपट्टे की बात करूं तो दुपट्टे ने कलर छोड़ा है, ये जो डाई वाले दुपट्टे होते हैं और इसपे हैवी देखो फॉयल प्रिंट, अभी मैंने इसको 2-3 बार ही पहना है और इसका जो फॉयल प्रिंट है वो तो बरकरार है, देखो फॉयल प्रिंट बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन धोते धोते लगता है हल्का हो जाएगा क्योंकि फॉयल है ये हट जाएगा, और ये जो है कलर इसने छोड़ा है। और दुपट्टा ना मैं हर बार धोती हूँ, जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो दुपट्टा ऐसा होता है ना कि कई लोग नहीं धोते हैं, दुपट्टा धोने से जो होता है कि दुपट्टा फेड हो जाता है, सूट वैसे ही रहता है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि अगर सूट धोना है तो पूरा धो, दुपट्टा भी धो, फिर मैं दुपट्टा भी धो लेती हूँ, तो मैंने जितनी बार इसको 2-3 बार पहना तो उसका दुपट्टा भी धोया है, कलर इसने छोड़ा दिया। अब आपको दिखाने वाली हूँ कॉटन की बहुत ही प्यारी कुर्ती, हालांकि ये जैसा बच्चे को फीड करवा रहे हो तो ये उस तरह से डिजाइन की गई कुर्ती है और इस तरह से ये रहने वाली है। तो यहाँ पर ना आप यहाँ पर जब मैंने आपको ये दिखाई थी ना तब भी मैंने आपसे पूछा था कि इसके ऊपर कहाँ पे लगी है चेन, आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो चेन है इसकी यहाँ लगाई गई है बच्चों को फीड करवाने के लिए, इस तरह से है और ये आपको दोनों साइड मिलेगी, ये इस साइड भी मिलेगी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए तो ये दोनों साइड आपको इस तरह से मिल जाएगी, अच्छी है ये फीडिंग कुर्ती, बच्चे को फीड करवाना हो तो उसके हिसाब से ये कुर्ती डिजाइन की गई है। कपड़े की बात करूं तो मैं कपड़ा बहुत ही प्यारा, गर्मियों से रिलेटेड, अब मैंने ये कुर्ती मंगवाई है तो अब तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ
उन मदर्स के लिए है जो बेबी को फीड करवा रही हैं, या आप भी यूज कर सकते हैं। कपड़ा इसका बहुत सुंदर था, प्रिंट बहुत अच्छा था, उसको ही देखकर इसको मैंने मंगवाया। हालांकि इसकी जिप भी नहीं पता चलती, देखिए कहाँ पर है ये पता भी नहीं चलेगी। और ये जो है नीचे फ्रॉक स्टाइल रहने वाला है, और फ्रॉक स्टाइल पहनने का एक ये भी सही रहता है कि जिनका टमी एरिया ज्यादा है, जैसे कि लेडीज का हो जाता है टमी एरिया, तो ये पेट छुपाने के लिए ना ऐसे फ्रॉक स्टाइल कुर्तियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये उस तरह से भी है, जब आप क्लिंक पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे प्रिंट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और इसके साथ ये बताना भूल गई थी, इसके साथ ना व्हाइट प्लाजो जो होता है वो मैं पहनती हूँ, व्हाइट प्लाजो हो या फिर रेड लेगिंग्स हो या फिर इसी कलर का बेस का भी मेरे पास प्लाजो है, उस तरह से भी पहनती हूँ। लेकिन और जो दुपट्टा ना मैं आपको दिखाती हूँ, जो भी मैंने आपको ये वाले सूट का, मेरे सूट ना नीचे दबते जा रहे हैं इसीलिए, तो ये वाले सूट का मैंने अभी आपको दुपट्टा दिखाया था वो मैं इसके साथ मैच कर लेती हूँ। देखिए मैच होता है ना, तो ये मैं इसके साथ अगर गुरुद्वारे जाना होता है ना तो मैं इस तरह से इसको पहन लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये जितने भी मैंने आपको सूट बताए हैं, दिखाए हैं, इनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जिनके कलर फेड हो सकते हैं या हो रहे हैं धोते धोते, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसमें से कुछ भी पसंद आया लेना चाहते हैं तो इन सबके ही जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं, आप वहां क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली शॉपिंग कर पाएंगे। अगली बार मैं आपको वो चीजें दिखाने वाली हूँ कुछ ब्यूटी से रिलेटेड जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है, और वो मैंने डिस्काउंट पे दी है क्योंकि इस समय सेल चल रही है इसीलिए। तो आप भी सेल का फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जितने भी मैंने आपको सूट सेट दिखाए हैं आपको भी सेल पर डिस्काउंट पर मिल सकते हैं। अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मस्त रहिए।